गाइज, वेलकम टू अक्षय मकवाना डांस। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहला स्टेप है, उसमें हम राइट लेग से शुरू करेंगे और एक स्टेप आगे आएंगे जिसमें हमारा राइट लेग आगे जाएगा और उसी के साथ हमारा लेफ्ट लेग पीछे की तरफ जाएगा और बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे लीन करेंगे। तो ये स्टेप हम फ्रंट में करेंगे और दोनों हैंड्स को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर से करते हैं 1 2, और फिर दोनों हैंड्स को सर के पीछे ले जाएंगे और राइट लेग से ऐसे किक करेंगे 1 2 3 4। अब किक करने के बाद राइट लेग को बाहर निकाल के पोजीशन पे रखेंगे और फिर लेफ्ट को निकाल के पोजीशन पे रखेंगे और उसी के साथ चेस्ट पॉप वाला ये स्टेप करेंगे। और पहले राइट हैंड चेस्ट के पास रखेंगे और दूसरे स्टेप में दोनों हैंड्स को ऐसे ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, फिर 1 2 3 4 ये वाला स्टेप करेंगे। अब सभी स्टेप शुरू से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद राइट लेग और लेफ्ट लेग को बारी बारी से ऐसे बाहर निकालेंगे और बॉडी को स्विंग करेंगे और दोनों हैंड्स को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे। यह स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, फिर राइट लेग बाहर निकाल के दोनों हैंड्स को ऐसे ऊपर से नीचे लाए और बॉडी को थोड़ा स्विंग किया आगे और पीछे। दूसरे स्टेप में दोनों हैंड्स को हम ऊपर से ऐसे नीचे भी ले जा सकते हैं या फिर दोनों हैंड्स को ऐसे क्रॉस करके ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे, राइट लेग को लेफ्ट लेग के बाजू में रखेंगे और थोड़ा डाउन हो जाएंगे और फिर 4 बार टैप करके फिर से फ्रंट में आ जाएंगे। 1 2 यहाँ पे डाउन और फिर 1 2 3 4, और हम हमारे राइट हैंड से ये वाला स्टेप करेंगे 1 2 3 4। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे और कमर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे और दोनों लेग्स को स्विच करेंगे 1 2। ये वाला स्टेप हम 2 बार रिपीट करेंगे और हैंड्स को भी पीछे से आगे ले जाएंगे जब हम हमारे लेग्स को स्विच करते हैं। ये पूरा स्टेप हम 2 बार करेंगे 1 2, फिर से हैंड्स को पीछे ले जाएंगे और फिर आगे लाएंगे। यहाँ पे हमने लास्ट कंप्लीट किया था 1 2 3 4, हैंड्स पीछे गए फिर आगे, पीछे और आगे। अब अगला स्टेप है, उसमें हम राइट लेग को पहले क्रॉस करेंगे, फिर लेफ्ट को और फिर राइट को, लेफ्ट को बारी बारी से पोजीशन पे रखेंगे और उसी के साथ हम हमारे हैंड्स को ऐसे अप डाउन करेंगे। राइट लेग के साथ राइट हैंड, लेफ्ट लेग के साथ लेफ्ट हैंड को अप करेंगे 1 2 3 4। फिर पहले लेफ्ट को ऐसे उठाएंगे, पोजीशन पे रखेंगे, फिर राइट को, फिर से लेफ्ट को उठाएंगे और राइट को उठा के पोजीशन पे रखेंगे। अब जब लेफ्ट को पोजीशन पे रखते हैं तब दोनों लेग्स को ओपन करेंगे, फिर से जंप करके राइट को अप करेंगे, फिर लेफ्ट को और फिर राइट को, और उसी के साथ हमारा जो ऑपोजिट हैंड है वो हम ऐसे यूज़ करेंगे 1 2 3 4, बाहर की तरफ निकालेंगे ऑपोजिट हैंड को। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शुरू से सभी स्टेप्स को एक साथ करते हैं।